हरिद्वार में बियर बांटकर फॉलोवर बढ़ाने की चाहत में यूट्यूबर को महंगा पड़ गया ये पूरा कारनामा, क्योंकि पुलिस ने शिकंजा कसते हुए यूट्यूबर को थाने लेकर पूछताछ की। पुलिस एक्ट में चालान कर आगे से ऐसा ना करने की सख्त हिदायत दी गई। गुजरात के जामनगर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बालाजी वेफर्स के पैकेट से निकला मरा मेंढक, हरकत में आया खाद्य विभाग, जांच के दिए आदेश। आइसक्रीम कांड के बाद अब चॉकलेट सिरप में मिला मरा हुआ चूहा, इंस्टाग्राम पर यूजर ने पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में अल्टीमेटम के बाद अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका टीम ने हटाया अतिक्रमण। रवि किशन ने गोरखपुर के लोगों के लिए दो मोबाइल अस्पताल वैन की सौगात दी है। मोबाइल अस्पताल को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। मोबाइल अस्पताल हर ब्लॉक में घूमकर मरीजों को मुफ्त इलाज देगा। जहां जो अस्पताल नहीं जा पावा ना, उन लोगों के लिए ये अस्पताल चलकर उनके घर आएगा, उनका इलाज होगा। इस पर हर माह 4 लाख रुपए खर्च होंगे, इसमें डॉक्टर्स होंगे, फ्री में सब कुछ होगा। तमिलनाडु के कल्लकुरिची में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इन सभी का इलाज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दुकानदार की दबंगों ने पिटाई की, कोल्ड ड्रिंक उधार न देने पर घटना को अंजाम दिया गया। पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 15,000 का इनामी बदमाश बिलाल हुआ गिरफ्तार। इधर उत्तर प्रदेश के शाजापुर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 लाख के नकली नोटों की करेंसी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाश राजू और उसका साथी पिंटू हुआ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी किए जब्त। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने फर्जी लूटकांड का खुलासा कर दिया। लूट की फर्जी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर की गई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैंक के एजेंट के साथ हुई लूट की वारदात, लूट गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्जी जमानती गैंग का कारनामा, अब पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 फर्जी जमानती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर भी बरामद। मध्यप्रदेश के शाजापुर जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, कैदी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। द यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट पीट कर हत्या, भीड़ ने चोर समझकर युवक को पीटा, इलाके में भारी तनाव, पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक व्यापारी के गोदाम में आग लग गई, लोहा मंडी के गोदाम में सारा सामान रखा हुआ था, जलकर राख, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बाली तिरछी के जंगल में आग लग गई, रिहायशी इलाके तक आग पहुंची, आग से 4 घर जलकर खाक। दिल्ली के बाद इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार शोरूम में घुसी, हादसे में बाल बाल बचे शोरूम कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी बस खंभे से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिस्किट गोदाम में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की आशंका, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में हुई विशेष आरती, पूजा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु पूजा में रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई, गर्मी से लोगों को राहत मिली।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धन परिवर्तन को लेकर हंगामा हुआ। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश, कई इलाकों में गरज के साथ बारिश। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख हर्जी हवेली के साथ की बैठक। उत्तरी कमान में स्थिति का उन्होंने आकलन किया। योआव गैलेंट आईडीएफ की कार्रवाई की तारीफ भी करते नजर आए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजकीय यात्रा के दौरान पहुंचे वियतनाम और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ग्विन फ्रू और नए राष्ट्रपति टो लैम मुलाकात करेंगे। लाल सागर में जहाज पर एक के बाद एक दो अटैक हुए। यमन के हुती विद्रोहियों ने किया ये जोरदार हमला। ग्रीक का परिवहन जहाज पानी में डूब गया। टेक्सास के कई इलाकों में तूफान के बाद बारिश और बाढ़ का कहर। कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। टेक्सास में मौसम विभाग का अलर्ट। आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना। सरकार ने लोगों से की घरों में ही रहने की अपील। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मिसाइल से हमला। इसराइल हमास आतंकियों के खिलाफ लगातार कर रहा है हमला। उधर इसराइल ने दक्षिण लेबनान पर किया हवाई हमला। हिजबुल्ला के हमलों का दिया करारा जवाब और लगातार इस तरह के हमले इसराइल कर रहा है। लेबनान ने किरियत शमोना शहर से इसराइल की तरफ 15 रॉकेट दागे हैं। इसराइल भी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उधर गाजा पर लगातार सेना की तरफ से हमला हो रहा है। हमास के कई आतंकी ठिकानों को इजरायली सेना ने बनाया अपना निशाना, किया नष्ट। इजरायल के लेबनान पर हमले में 3 आतंकी मारे गए। हिजबुल्ला ने 3 लड़ाकों को मार डाला। लेबनान में हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के नेता ने दी चेतावनी। इजरायल का समर्थन करने पर हमले की दी चेतावनी। चाड देश के सैन्य आयुध भंडार में भीषण विस्फोट। धमाके में 9 की मौत, करीब 40 लोग बताया जा रहा है घायल। उधर रूस ने सैन्य अभ्यास के दौरान कैलिबर और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी। बारेंट्स सागर में रूस ने किया ये सैन्य अभ्यास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन वियतनाम दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति टू लैम ने पुतिन का जोरदार स्वागत किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वियतनाम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तरी कोरिया के किम जोंग के बीच अहम समझौता। हमले के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे और मुलाकात भी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चले युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में शांति समझौते का आयोजन। 78 देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। न्यूयॉर्क के सिरेक्यूज में एक इमारत गिर गई जहां बिल्डिंग में धमाका हो गया और हादसे में 13 लोग घायल भी हो गए। उधर अमेरिका के नवादा रेगिस्तान में दिखा रहस्यमय खंबा। इन रहस्यमय खंबों को मोनोलिथ कहा जाता है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। कई इलाकों में हुई लैंडस्लाइड। दक्षिण चीन के ग्वांगशी जुआंग में भारी बारिश लगातार जारी। ग्वांगशी की 39 नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इटली और ग्रीस के बीच आयोनियन जहाज दुर्घटना की खबर। हादसे के बाद दर्जनों प्रवासी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम प्रवासियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर यमन के हौती विद्रोहियों ने वीडियो किया जारी। लाल सागर में जहाज के डूबने का वीडियो किया गया जारी।